इसलिए मैंने आपको बुलाया। बेसिकली 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में जन जागरण का प्रोग्राम एक दिया था, पूरे देश में तमाम कांग्रेसियों के लिए, वर्किंग कमेटी से लेकर अदना बूथ लेवल वर्कर तक। और उसमें सर्कुलर में ही था कि तमाम लीडर उतरे। अब अगर हम सारे लोग एक ही माला में लेकर घूमेंगे, जम्मू कश्मीर आप बेहतर जानते हैं, अगर हम एक ही सिमत में चले तो हम शायद 14-15 दिन में इतने बड़े जम्मू कश्मीर को कवर नहीं कर सकते। हमारे कई फंक्शंस एक एक दिन में 5-5 जगह फंक्शन, कठुआ भी हुआ, डूरू भी हुआ, आपके बड़गाम में भी हुआ और आपके गांधीनगर में भी हुआ। दैट डजंट मीन कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लीडर डिप्यूट किए गए थे। तो ऐसे में अगर कोई भी लीडर कहीं पर भी चला, जहां तक कांग्रेस की मजबूती के लिए बात है, जहां तक लोगों के इश्यूज को, जो इस वक्त लोगों को प्रॉब्लम्स है, जो 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 परेशानियां, अगर उसको कोई भी लीडर किसी भी तरीके से हाईलाइट करने में अपना रोल योगदान देता है, वी डोंट थिंक दैट इज एनीथिंग रॉन्ग टू कांग्रेस। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आज तक एक ही लॉबी है और एक ही हमारी कयादत है, उसके हम सारे फॉलोवर हैं अपने अपने हिसाब से, वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और जो हमारी कयादत करते हैं इस वक्त। उसके दाएं बाएं कौन क्या ग्रामर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है और उसमें ग्रामर अलग हो सकते हैं, मगर लॉबी टॉप टू बॉटम हमारी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। उसके दाएं बाएं हमारी कोई लॉबी नहीं है। वो आप किसी भी अदना कांग्रेस वर्कर से पूछ लीजिए, वो उसका है। हाँ, जो आपने कहा लोकल इश्यूज़ की बात, उसी का मैंने पहले ही कहा, उसका सबसे बेहतरीन पेरिस्टमाल कहिए, एक्टिफिट कहिए, या और कोई बड़ा नाम आपके पास हो, उन सारे इश्यूज़ का इलाज इस कॉपी में है। इसलिए आज के दिन पर कोई बड़ा ओहदा नहीं। जब मेंबरशिप डिक्लेयर होती, समझो जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होता है, तो उसके बाद तो कार्यवाहक सरकारें होती हैं। तो इस वक्त कार्यवाहक सिस्टम सारा है, जिनको नया बनना है, जिनको शोक बनने का है, जिनको लीड करने की सलाहियत हो, लोग पसंद करेंगे, उसका रास्ता ये है, ये सीढ़ी है। तो अपने आप पिक एंड चूज पॉलिसी ना अडॉप्ट करके ये प्रॉपर जमहूरी तरीका है, इसको फॉलो करें और इसमें शायद सबकी दर्द का इलाज निकलेगा। पार्टीज का अलग अलग अपना मौकूफ है, अपने अपने तरीके से कौन किस तरह से लोगों में जाना चाहता है, तो उसमें हमें कोई मतलब कोई किसी की दिक्कत नहीं है। जहां तक आपने नागालैंड वाली बात कही, जो अभी 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, उसको पूरे देश ने, बल्कि हमारे पार्लियामेंट ने अक्रॉस पार्टी लाइन उसको कंडेम किया और उस पर बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाई जा रही है। वो चाहे नागालैंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, जिन दोनों स्टेटों में अफसपा लगा हुआ है, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स फोर्सेस को देता है, और उसके कवर अप में वो कुछ भी करें तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब देश में आवाजें उठने लगी, तो मेरे ख्याल से अब वक्त भी आया, जमाने ने तरक्की किया, आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे डिजिटल इंडिया को देखते हुए अब अफसपा जैसे कानूनों को लागू करना और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों में रिवीजन होना चाहिए। मरकजी सरकार को खुले आंख से और खुले दिल से इस तरह के कवानीन को रिकंसिडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, और लोगों को राहत देने के लिए अपनी जमहूरी आवाज़ उठाने का हक मिलना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का सवाल मैंने पूछा था। मैंने कहा अलग अलग पार्टी का अलग अलग मौकूफ है, फारूक साहब सीनियर लीडर है इस रियासत के, मगर एक तरफ तो वो खुद ही कोर्ट में गए हुए और आल पार्टी में भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने अटेंड किया। अब आल पार्टी में उन्होंने क्या कहा, कोर्ट में क्या लेकर गए हैं वो, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो एट लिबर्टी है। और ये तो लोगों को समझना है कि हम कौन से रास्ते पर चले। तो जो आज मुमकिन है वो आज बात करें, जो 4 दिन बाद मुमकिन हो सकता है उसको 4 दिन के बाद में उठाने की बात है। तो एनीवे फारूक साहब ने अगर कोई आह्वान अपने काडर्स को किया है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं।